बिग बॉस क्या बायस्ड है? क्या विनर पहले से ही तय होता है तो लोग पार्टिसिपेट ही क्यों करते हैं, जब जीतने का कोई पॉइंट ही नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो शो में कितनी ही बार ये देखा गया है कि अच्छे से अच्छे कंटेस्टेंट्स को ऑन एयर एपिसोड में साइडलाइन किया जाता है, जैसे कि निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल और उमर रियाज। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कलर्स टीवी बिग बॉस के रिजल्ट को लेकर बायस होते हैं। ये वीडियो आपको सोचने को मजबूर कर देगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरुआत करते हैं पिछले सीजन से, यानी कि बिग बॉस सीजन 15 से, जहां विनर बनी तेजस्वी प्रकाश। और बिग बॉस में आने से पहले वो थी कलर्स टीवी का नामी चेहरा और उन्होंने स्वरागिनी, जोड़े रिश्तों की डोर और संस्कार धरोहर अपनों की जैसे बड़े सीरियल में लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। तो क्या उनका बिग बॉस जीतने का मेन रीजन यही था? तो गाइज आप ही बताओ कि क्या निशान भट्ट या प्रतीक अच्छे कंटेस्टेंट नहीं थे? तो क्यों हमेशा लाइमलाइट में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ही थे और इन दोनों को साइडलाइन किया गया? इनके साथ साथ शमिता शेट्टी ने भी बताया कि कलर्स टीवी के साथ उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता है और उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो नहीं जीतेंगी। इस बात पर शमिता ने कहा था कि फिर क्या ही पॉइंट है बिग बॉस में आने का, लेकिन बस अच्छा रिश्ता होने के कारण उन्होंने बिग बॉस के लिए हाँ कह दिया था। तो ये हुई बिग बॉस 15 की बात, लेकिन यही ट्रेंड बिग बॉस 14 और 13 और 12 और लगभग सभी सीजन्स में चला आ रहा है। सीजन 14 की विनर बनी रुबीना दिलीप और उन्होंने भी बिग बॉस में आने से पहले मोस्ट पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की किया था। तो क्या फिर यही कारण था कि रुबीना जीती? सीजन 13 के विनर बने सिद्धार्थ शुक्ला और उन्होंने भी बिग बॉस में आने से पहले कलर्स टीवी के शो दिल से दिल तक और बालिका वधू में काम किया था। तो क्या फिर से इसी वजह से सिद्धार्थ ने बिग बॉस जीता? सीजन 12 की विनर बनी दीपिका कक्कर और उन्होंने भी बिग बॉस में आने से पहले कलर्स टीवी का हाईएस्ट टीआरपी सीरियल ससुराल सिमर का किया था। तो क्या इसलिए दीपिका को विनर बनाया गया क्योंकि वो कलर्स टीवी का इतना बड़ा चेहरा थी? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों दीपिका के सीजन में क्रिकेटर एस श्रीसंत क्यों नहीं जीते, जबकि वो दीपिका से ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे बिग बॉस में? और इसी तरह से सीजन 13 में भी सिद्धार्थ बहुत अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट, लेकिन क्या उमर रियाज और शहनाज गिल नहीं जीत सकते थे? क्यों क्लियरली ऑडियंस को दिख रहा था कि उमर रियाज को साइडलाइन किया गया? अब इसी सीजन को ले लो, शिव ठाकरे का फैन बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और एमसी स्टैन का तो पूछो ही मत। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जब मल्टीपल टाइम्स बिग बॉस के फैंस घर में आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट शिव और स्टैन के लिए दिखाई, उतनी किसी के लिए भी नहीं दिखाई। पर फिर भी इस साल का विनर फिर से बन जाएगा कलर्स का ही फेस, यानी कि प्रियंका चहर चौधरी, जिन्होंने बिग बॉस में आने से पहले कलर्स का सीरियल उडारिया किया था। तो बस इसी वजह से क्या प्रियंका को इस साल की ट्रॉफी मिल रही है? तो ये तो हुआ एक पहलू। इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो है वोटिंग। तो गाइज ये तो आपको पता ही होगा कि बिग बॉस का विनर ऑडियंस के वोटिंग से डिसाइड होता है, और ये भी बात सच है कि विनर्स आज तक जितने भी जीते हैं उनको बाकी कंटेस्टेंट से ज़्यादा ही वोट्स मिले हैं, और वोट्स मिलने का सबसे बड़ा रीज़न है उनका स्ट्रॉन्ग फैन बेस, और ये फैन बेस कहीं ना कहीं उनके सीरियल से ही बना है। तो वोटिंग में बिग बॉस बायस नहीं होते हैं, बिग बॉस बस एक ही बात से बायस लगते हैं कि ऑन एयर एपिसोड में अपने फेवरेट्स को, यानी कि कलर्स चेहरों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देके, और इस बात का वोटिंग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। इसलिए कंक्लूजन तो यही है कि बिग बॉस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो बायस्ड ज़रूर है। आपको क्या लगता है, बिग बॉस बायस्ड है या नहीं? मुझे अपना जवाब कमेंट पे ज़रूर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।